समय मैं सकेतड़ी में हूँ एंड चंडीगढ़ सुखना लेक के लास्ट वाले पॉइंट से ठीक 200 मीटर आगे। एंड दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे लोग आकर रन करते हैं, वॉक करते हैं, योगा करते हैं। तो इस समय यहाँ पर आए दोस्तों, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं एक टेम्पल है जो कि शिव जी का टेम्पल है, पिछले कई सालों से यहाँ पर है। एंड यहाँ पर आप अनिल जी एंड सोनम मैडम हैं, यहाँ पिछले 10 सालों से आते हैं, ये रनिंग करते हैं, योगा करते हैं यहाँ पे। सो दो तीन दिनों से मैं भी इनके साथ आ रहा हूँ यहाँ पे रन एंड वॉक करने के लिए। तो यहाँ पे जो डॉगीज़ हैं ने भी डॉगीज़ आसपास रखते हैं मंदिर के आसपास, सारे इनके दोस्त हो चुके हैं, अब इनकी भाषा भी समझते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये नदी है, अभी इस समय सूखी नदी है, यहाँ पे सूखी नदी है। तो दोस्तों आपने पहले सुना होगा कि नदी के दूसरे किनारे जो भी रहते थे उनको बुलाने के लिए तेज़ी से पुकारा जाता था, तो ये लोग भगवान का नाम लेते हैं और अभी सारे लोग आना शुरू हो जाएंगे। अभी आप देखिए ये पुकारेंगे सोनम मैडम एंड अनिल सर, और वहाँ से सारे डॉगीज आना शुरू हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं अभी कोई डॉगीज आसपास नहीं है, एक बार कैमरा इधर आप रोल करना। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे आ रहा है, एक वहाँ पे आ रहा है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दो नहीं 5-10 डॉगी एक साथ आएंगे। और देख सकते हैं पहला डॉगी आ चुका है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे बहुत सारे डॉगी आ रहे हैं। ये एक आ चुका है। एंड आप लोग दोस्तों बता दो कि ये डेली यहाँ पे आते सिर्फ खाने के लिए। करते हैं, योगा करते हैं। गुड, आप बहुत फिट दिख रहे हैं, आपका क्या राज है, लाइक डाइट क्या है? एंड राज तो यही, अभी हम फास्ट फूड नहीं खाते हैं। चंडीगढ़ एक ऐसी सिटी है जहाँ पे लोग अच्छे से अच्छे जिम में जा सकते हैं, सुखना लेक है, बहुत सारे पार्क्स है, ये सब होने के बाद भी एक ऐसी जगह आपको ले चलना है जो आपको बिलीव करना मुश्किल होगा कि ये चंडीगढ़ में ही है। देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ी है एंड बीच में ग्राउंड है, ग्रीनरी हर जगह दिख सकती है आपको। आप लोग यहाँ पे एक ऐसी जगह ले चलते हैं जहाँ पे जिम का इक्विपमेंट और कुश्ती के लिए अखाड़ा और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिससे आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। एंड लोगों ने मिल करके इसको बनाया हुआ है, ये किसी एक का नहीं है, ये एक तरह से किसी के लिए भी कोई भी यहाँ पर आकर के कर सकता है। एंड आप लोग को आज दिखाते हैं कि वो कहाँ पर, ये अनिल जी ने हमें बताया था कि ये यहाँ पर ऐसे हम लोग ने जगह बना रखी है, इसमें काफ़ी लोग आते रहते हैं, यहाँ पे DSP कमिश्नर भी आते रहते हैं कभी कभी, लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे। और ये एक हट बना हुआ है, उस झोपड़ी के नीचे ही सारा सेटअप है, फुली नेचुरल है। देख सकते हैं ये है कुश्ती लड़ने की जगह, अखाड़ा जैसे बोलते हैं, अभी बारिश की वजह से इसको बंद करके रखा गया। आप देख सकते हैं पूरा टेक्निकली कितना साइज होना चाहिए उतना है। एंड इधर ले चलते हैं आपको, एंड ये भी देख सकते हैं आप, इसको ट्राई करते हैं। इसका वेट 35 kg है। ये है अनिल सांगवान जी जो हमें यहाँ पर लेकर आए, इंट्रोड्यूस करा इस जगह पे। आपका नाम क्या? तो ये बलजीत जी हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने इतनी अच्छी बॉडी बना रखी है, ये एक ऐसे नेचुरल जगह पे आकर के यहाँ पे डेली वर्कआउट करते हैं। एंड आप थोड़ा सा अंदर बताएंगे, एंड यहाँ कब से आ रहे हैं आप? ये 5-6 साल हो गए, 5-6 साल से यहाँ पर आ रहे हैं। आप क्या करते हैं वैसे?
ये कुश्ती करते हैं, रेसलर हैं, एंड आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में वो जगह है। अभी इनके साथ हम कुश्ती भी करेंगे, आपको उसकी भी वीडियो दिखाएंगे। आज दंगल होगा, थोड़ा सा ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सारा इक्विपमेंट है। थोड़ा सा अंधेरा होगा, अभी जिम कर रहे हैं। यहाँ पे सारा सेटअप है, हंसना आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे घास पत्तों से बनाया गया है। ऊपर भी छत पॉलिथीन की बनी हुई है, एंड ये फुली नेचुरल है। जंगल के चारों तरफ ग्राउंड है, देख सकते हैं इनकी बॉडी। तो आज आपको अखाड़े पे ले चलते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे बारिश की वजह से सारा कुछ बंद है, तो मैं इसको तो दोस्तों ये मेरे लिए शायद नहीं बना है, बट कोशिश करूंगा इनसे सीखने की, एंड कुछ एक दो तो सीख, ये देख सकते हो। और यहाँ पे अनिल जी एंड बलजीत जी दोनों कुश्ती करते हुए, एक है प्रोफेशनल और एक है जो काफी बॉडी बनाए हुए हैं। Yes, come on! तोड़ दे तुम्हारा चल। दोस्तों आज बलजीत जी से मैं फाइट करने जा रहा हूँ फिर से, इसको थोड़ा सा गुस्सा आया हुआ है मुझे। काफ़ी फाइट कर चुके हैं, रेसलिंग काफ़ी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, इनके पास काफ़ी मेडल्स भी हैं, और इनके प्रैक्टिस की जगह यहीं पर है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बिल्कुल नेचुरल प्लेस है, एंड यहाँ पे आप सीख सकते हैं। मैं तो दोस्तों अब यहाँ पे डेली आने वाला हूँ सीखने के लिए, आप मुझे सिखाएंगे? मैं इनसे सीखूँगा और बाद में इन्हीं को हराना है, ये टारगेट है। जिस दिन ऐसा हो गया मैं भी एक दो मेडल ला ही लूँगा। बलजीत जी ने कहा ठीक है दोस्तों, तो अब एक बार और सीखने की कोशिश करते हैं लास्ट। अब थोड़ा सा अपना ट्रिक बताइए कि लाइक मैंने ऐसे किया उसके बाद मार मर जाते हैं करना है। सो ऐसे पकड़ना है, ऐसे पीछे पीछे ऐसे करके ना ना ऐसे ओके। तो दोस्तों कितने किलो का है? 10 किलो दोस्तों, इसका वेट 10 किलो है,
एंड इसको आप लड़ाई से पहले, रेसलिंग से पहले इसको करते हैं, जिससे आपको चोट ना लगे। इसको कसी कहते हैं, कसी, इसे कसी कहते हैं। मैं अपने लिए बना रहा हूँ जिससे चोट ना लगे मुझे। ये बिरेंदर सिंह है एंड ये आप भी डेली आते हैं यहाँ पे? कब से आ रहे हो? मेरे को हो गए 2 साल। ये 2 साल से इस अखाड़े में आ रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में जिम है एंड इधर अखाड़ा है, पीछे आप देख सकते हैं ऊपर वेट लिफ्टिंग के लिए बना हुआ है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं हर तरह का इंस्ट्रूमेंट एंड जो जो जरूरत है वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो विजेंद्र, आप क्या क्या करते हैं यहाँ पे अखाड़े के रेसलिंग के प्रैक्टिस भी करते हैं? तो आजकल देखते होंगे आज के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में एंड अपने घर में ही लिमिटेड रहते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो पिछले 2 सालों से ये रेसलिंग की प्रैक्टिस करते हैं एंड वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिम करते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि एक मैसेज जाता है लोगों को। जो इस अखाड़े में आते हैं डेली बेसिस पे जिम करने आते हैं, वेट लिफ्टिंग करने आते हैं या अखाड़े में रेसलिंग करने आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ पे सारे मेंबर्स हैं जो कि इस समय आए हुए हैं। यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग हर टाइम ओपन है, कुछ लोग बाहर भी अभी हैं एंड तो अभी आपका नाम क्या है? हरप्रीत। ये हरप्रीत सिंह है, इनके एक ब्रदर है जुड़वा भाई, आप आगे आ जाओ। विजेंद्र, आप देख सकते हैं दोनों का फेस, दोनों भाई लग रहे हैं, भाई भाई है भी, ये जुड़वा ब्रदर्स हैं। एंड ये हैं अपने बलजीत सिंह जी भाटी, अनिल सिंह भाटी, भाटी से ज्यादा जाना है बलजीत शर्मा जी। हाँ जी, अनिल, ये अनिल जी है। हाँ जी सर। जितेंद्र सिंह, ये है अपने सुपरस्टार जितेंद्र सिंह। मनिंदर सिंह ये मनिंदर सिंह। तो आप लोग यहाँ पे डेली आते हैं सारे लोग? हाँ जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग डेली आते हैं, डेली किसी भी दिन वर्कआउट इनका मिस नहीं होता। मोस्ट यहाँ पे जितने आ रहे हैं मैक्सिमम 2 साल से आ रहे हैं एंड बहुत ही खूबसूरत जगह दोस्तों। आपको कभी भी लगता है कि एक नेचुरल जगह देखनी चाहिए जहाँ पे जिम इक्विपमेंट से या रेसलिंग से रिलेटेड हो, तो आप यहाँ पे जरूर आइए। एंड ये देव जी पूरा जो यहाँ के देखभाल करते हैं, पूरा मेंटेन रखते हैं इस चीज़ को। तो देव जी थोड़ा सा बताएंगे आप इस जगह के बारे में? जगह हमारी होगी, यहाँ से जद्दी जगह आगी हमारी हो है। शुरू से बाबे परदादे ने, तब से ही हम इसकी देखभाल कर रहे हैं। ये दादे परदादे के टाइम से ही ये देखभाल कर रहे हैं और ये जगह इनकी है। ये हमारे दादे करते थे, फिर हमारे बाप, उसके बाद तो ये शुरू से ही ऐसे ही अखाड़े वाली जगह है। शुरू से ही ऐसे ही है। ये आज आप लोग को सुखना लेक से जस्ट 200 मीटर आगे सकेतड़ी साइड में ये पूरा पार्क, आप जितना भी यहाँ पे देख रहे हैं जो अखाड़ा है, जिम है, ये यहाँ पे लोकेटेड है। एंड यहाँ पे आप लोग को सारा दिखाया भी कि कैसे यहाँ पे लोग वर्कआउट करते हैं, कैसे फिटनेस को मोटिवेट करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट वीडियोस को भी आपको इसी से फिटनेस रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि हर बार फिटनेस से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, एंटरटेनमेंट के रूप में हो या किसी भी तरह, बट दैट विल बी रिलेटेड टू फिटनेस। दोस्तों पीसी कुशवाहा ब्लॉग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे सारे अपडेट्स आपके पास आते रहे। और पुरानी आपको वीडियो देखनी है तो नीचे दिए हुए लिंक पर विजिट करें, सारे ब्लॉग नीचे अवेलेबल है। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।